आज मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम से। मैं आपको दिखा दूँ, बाहर शाम हो गई है और अभी बज रहे हैं 7:30। तो 7:30 बजे मैं अपना डिनर रेडी कर रही हूँ और मैं बना रही हूँ मलाई पनीर। तो जल्दी बना दूँगी, पनीर भी मैंने यहाँ पे कट करके रखे हुए हैं। तो ये अभी 10 मिनट में रेडी हो जाएगा और उसके बाद मुझे जाना है आज कहीं पर, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पर जाना है। और इसीलिए मैंने आज ये ब्लॉग इतना लेट मैंने बनाया है लेट, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम कहाँ जाएंगे। तो आज स्कूटी नहीं है, स्कूटी सर्विसिंग के लिए गई हुई है और वो कल मिलेगी, तो आज मुझे ऑटो में जाना पड़ेगा। क्या बोलते हैं यहाँ पे, ई रिक्शा बोलते हैं बंगाली, वहाँ कलकत्ता में उसको टोटो बोलते हैं, तो यहाँ पे तो उसको ई रिक्शा बोलते हैं। तो ई रिक्शा में जाऊँगी मैं और नन्नू को लेके। तो मैं जब रेडी होंगी तब आपको दिखाऊँगी। तो अभी मेरी सब्ज़ी बस तैयार होने वाली है, इस मसालों में अच्छे से ऊपर आ गया है, तेल ऊपर आ गया है, तो इट मीन्स ये पक गया है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी, बहुत टेस्टी, यू नो जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं बिल्कुल वैसे ही बन जाती है घर पर। और अगर आप चाहें तो इसके साथ नान एंजॉय कर सकते हैं, आप बाहर रेस्टोरेंट से नान मंगवा लीजिए और वैसे घर पर भी नान बन जाती है आजकल तो कुछ भी, और रोटी या पराठे के साथ ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस हो गया है, मैं इसमें पनीर ऐड कर दूँगी अब। तो मैंने बहुत मोटे मोटे पीसेस काटे हैं ताकि यू नो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा फील आए। रेस्टोरेंट में भी इतने मोटे मोटे पीसेस मिलते हैं। इसमें कोई कलर ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं, तो हम जो भी हमारे स्पाइसेस होते हैं उसी से काम करने चाहिए, एक्स्ट्रा कलर नहीं मिलाना चाहिए, जहाँ तक मतलब हेल्थ वाइज नहीं मिलाना चाहिए। तो इसमें कस्तूरी मेथी मैंने पहले ऐड कर दिया था, ये कस्तूरी मेथी है, और अब मैं इसमें सिर्फ ग्रीन ये धनिया डालूंगी, कोरिएंडर कहते हैं इसे, इसको मैं धो रखा है मैंने, बस इसको चॉप करना है और फिर मैं इसमें इसको ऐड कर दूंगी। देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है, मेरे तो मुंह में अभी पानी आ रहा है कि बस अभी नान मिल जाए और मैं अभी खा लूं। तो खाना बना के जा रही हूँ इसलिए कि आकर बस कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैंने बर्तन भी लगा दिए, यहाँ पे सारे झूठे बर्तन लगा दिए हैं, तो आके बस मैं लगाऊंगी। यू नो कहीं भी जाओ तो रात को फिर आने के बाद ना बिल्कुल भी फिर दोबारा काम करने का मन बिल्कुल नहीं करता है, तो इस वजह से बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो पहले ही सारा काम कर लो। और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ गई है और ये मेरा फेवरेट फ़ैन है जो कि मैं किचन में रखती हूँ हमेशा, तो जब भी कटिंग वगैरह का काम करना हो, कुछ और काम करना हो तो आप पंखे में काम कर सकते हैं, उसके अलावा तो बिल्कुल गैस पे तो हम नहीं लगा सकते, पंखे की जो डायरेक्शन होती है तो वो बुझ जाएगा या फिर धीमे धीमे जलेगा, तो ये फ़ैन बहुत हेल्प करता है किचन में। सिन्नी कंपनी का है ये फ़ैन और बहुत छोटू सा है, बट हवा इतनी अच्छी देता है ये, हवा की कोई मैंने हवा की कोई इसकी लिमिट, बहुत तेज़ चलता है और इसका ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे, इससे ऑन ऑफ़ कर सकते हैं इजीली, तो ये बहुत हेल्पफुल। सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई है ये देखिए, तो मैं आप लोगों के साथ एक ट्रिक मतलब एक सजेशन बताना चाहती हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे मैंने धनिया को चॉप करके रख दिया है, चाहते हैं सब्ज़ी को देखने में
जो कि हम फ्रेश अगर कोरिएंडर लीव्स डालते हैं उसमें, तो सब्ज़ी भी फ्रेश लगने लगती है, ऐसा सारे शेफ्स भी कहते हैं। तो हम जब भी कोई सब्ज़ी बनाए तो जब मतलब एंड में हम लोग उसके ऊपर कोरिएंडर डालते हैं, धनिया, हरा धनिया डालते हैं, तो आप वो ना करें। सब्ज़ी को थोड़ा सा ठंडा होने दे, नॉर्मल टेम्परेचर पे जब आ जाए तो उसके बाद अगर हम धनिया डालेंगे ना, तो जो धनिया का खुद का कलर होता है ना, ग्रीन कलर, वो बरकरार रहता है। बट अगर आप बिल्कुल जस्ट उबलती हुई सब्ज़ी बंद करने के बाद ही तुरंत हम डाल देते हैं, फिर ढक देते हैं सब्ज़ी को, तो होता यह है कि जो ग्रीन लीव्स होती है ना, वो पक जाती है और पकने के बाद धनिया काला हो जाता है, तो वो बिल्कुल भी सब्ज़ी को लुक नहीं देता है फ्रेश की, फ्रेश लग रही है सब्ज़ी, वो फ्रेशनेस फीलिंग नहीं आती है, सब्ज़ी ब्यूटीफुल देखने में नहीं लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत जो है वो बरकरार रहे, सब्ज़ी देखने में भी ब्यूटीफुल लगे और खाने में, तो ऑब्वियसली कहते हैं पहले लुक मेन होता है, उसके बाद फिर भूख तो लगी जाती है देख के, तो इसीलिए आप थोड़ा सा सब्ज़ी को ठंडा कर लीजिए, जिस तरीके से मैंने अभी रख दिया है। कम से कम 20 मिनट के बाद मैं उसमें पत्तों को मिला दूँगी, धनिया के पत्तों को मिला दूँगी, तो कलर उसका वही बरकरार रहेगा। उसके बाद आप खाइए, देखने में भी सुंदर लगता है और वैसे भी सुंदर लगता है। तो मेरा संध्या बातें वगैरह मैंने सब दे दिया था पहले ही, और अब मैं थोड़ा सा खुद को कूल डाउन कर लूँ और उसके बाद फिर मैं रेडी होने जाऊँगी। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को, लगा देती हूँ। जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। मैं नॉर्मल सा मेकअप किया है, एक बिंदी लगाई है और लिपस्टिक लगाया है और काजल और लाइनर और हाथों में ये पहनी है मैंने कड़े, बस। मैं आपको मिरर में दिखाती हूँ तो फिर थोड़ा समझ में आ सकता है। तो ये फ्लैश ऑन हो रखा है इसलिए, तो ये मैंने साड़ी पहनी है सिंपल सी, और नन्नू का ये गेटअप है। ओहो, ये क्या कर रखा है, ये है नन्नू के पॉम पॉम वाले हेयर बैंड। तो नन्नू पूरी तैयार हो गई है, चलते हैं। और लेट भी हो गया है, पहले से काफ़ी लेट हो गया है मेरे को निकलने में, तो चलिए थोड़ा सा पैदल भी चलना है ना, चलिए चलते हैं फिर। तेरी
तेरी पिता ने खड़े सवाल।